हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग। पटना की यात्रा करने के बाद अब हम वाराणसी की यात्रा करेंगे और मेरी जो पटना की यात्रा रही बहुत ही यादगार रही, बहुत ही शानदार रही। और इसके बाद हम वाराणसी पहुंचने के बाद पूरा वाराणसी एक्सप्लोर करेंगे। बहुत मज़ा आने वाला है हमारी इस यात्रा में। और ये हावड़ा अमृतसर एक्सप्रेस है जो कि पटना में 2:15 में खुलती है और यहाँ वाराणसी में सुबह 8:25 में पहुँच जाते हैं। हम बनारस पहुंचने वाले हैं और पहुंचने के बाद हम वाराणसी एक्सप्लोर करेंगे, परंतु कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूं जो कि पटना में हुई। कुछ खट्टी यादें भी हैं, कुछ मीठी भी यादें हैं, तो दोनों चीज़ें हम शेयर करेंगे। हालांकि मेरे लिए खट्टी और मीठी दोनों ही प्रेरणादायक होती हैं, दोनों से मैं सीखता हूँ। तो मीठी ये रही कि मैं वहाँ पर करीब 25 दिन विपश्यना में रहा, बुद्धा स्मृति पार्क, और ध्यान का अभ्यास किया, अपने मन की जो बुराइयां हैं उनको जड़ से ख़त्म करने का अभ्यास किया। मैं इसलिए साधना करने जाता हूं या इसलिए मैं 25 दिन रहा कि इस संसार में जब तक जिंदा रहूं किसी भी व्यक्ति के प्रति मेरे अंदर द्वेष की भावना ना रहे, ईर्ष्या की भावना ना रहे, घृणा की भावना ना रहे, मेरे अंदर कोई भी बुराई ना रहे जब तक मैं जिंदा रहूं, इसलिए मैं विपश्यना जाता हूं। तो काफ़ी अच्छी साधना रही। और सबसे बड़ी बात कि मैं वहाँ सेवा कर रहा था, तो सेवा की बारीकियों को समझा और सेवा करते हुए कैसे साधना की जाती है, आँख खोल कर कैसे साधना की जाती है, ये चीज़ें भी मैंने सीखी वहाँ विपश्यना साधना के दौरान। और उसके बाद मैंने गुरु पर्व का समारोह आपको दिखाया। और बुरी बातें हुई कि जब मैं सोनपुर मेला से पटना आया तो मेरा बैग फट गया था और मेरा पर्स गिर गया, जिसमें मेरा पैसा था, ATM कार्ड था, वोटर ID कार्ड, आधार कार्ड, सब कुछ चला गया। पिछले महीने 3 तारीख को मेरे पास 1 रुपया नहीं थे, 5 रुपया कहीं से निकल गया, 5 रुपया था, और बैग खरीदना ज़रूरी था, कहाँ सामान रखता, बिल्कुल फट गया था, काम लायक था नहीं। तब मैंने एक मित्र को फ़ोन किया, पटना में ही रहते हैं और 6 महीना पहले ही मित्रता हुई है गया में विपश्यना साधना के दौरान, तो उनको मैंने कहा, तो उन्होंने मुझे 1,000 रुपये दिए, जिसमें मैंने 700 रुपये का बैग खरीदा जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं, और 300 रुपये मेरे पास बचा। आपको बड़ा आश्चर्य हो रहा होगा कि 300 रुपये में यहाँ मैं पटना में 1 महीना से ज़्यादा रहा कैसे संभव हुआ। तो दोस्तों, मैं पैसे के बारे में ज़्यादा नहीं सोचता, जब मैं यात्रा शुरू कर देता हूँ तो पैसा रहे या न रहे, मेरे पास खाने को रहे या न रहे, यात्रा चलती रहनी चाहिए जीवन की। उसी तरह जीवन की यात्रा, मेरे आध्यात्मिक जीवन की यात्रा भी चलती रहनी चाहिए, सुविधाएं हों या असुविधाएं हों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो और एक कहानी और है, जब मेरा मोबाइल खो गया था पिछली बार अक्टूबर में, तो मोबाइल नया खरीदा, तो उसके बाद भी मेरे पास पैसे नहीं थे, तो मैं 200 रुपये लेकर चला था मैं वाराणसी से, और करीब 1.5 महीने की यात्रा थी, वाराणसी, हरिद्वार, देहरादून और उसके बाद वैष्णो देवी गया, 4 शहरों की यात्रा की थी, और खाना पीना रहना सब मात्र 200 रुपये मेरा खर्च हुआ था। आप मतलब कहानी सुनेंगे तो दंग रह जाएंगे। मैं दुख भरी कहानी आपको नहीं सुनाना चाहता, क्योंकि आपको लगेगा कि अरे कैसा जीवन जी रहा है, कुछ लोगों को मुझसे मतलब घृणा भी होगा, पर मुझे उससे प्रेरणा मिलती है, मुझे शक्ति मिलती है, मुझे मतलब ताकत मिलती है, मुझे सीखने को मिलती है दोस्तों। और वही जो पल होता है ना, दुख के जो क्षण होते हैं ना, उसी में मैं कुछ सीखता हूँ, कुछ पॉजिटिव सीखता हूँ, उसी में मेरा जो जीवन है आगे जाता है, नीचे नहीं जाता, आगे जाता है, ऐसा मेरा जीवन बन चुका है। तो ये चीज़ें हुई, मैं बैग खरीदा और फिर रहा कहाँ, विपश्यना में रहा। उसके बाद गुरु नानक, जो गुरु गोविंद सिंह की जयंती, वहाँ पर समारोह था, तो वहाँ पर बिहार सरकार ने बहुत अच्छी व्यवस्था की थी, टेंट सिटी वहाँ पर बनाया था लोगों के रहने के लिए, सारी सुख सुविधाएं थी, तो वहाँ मैं रहा 3-4 दिन। और उसके बाद एक और अच्छी चीज़ बिहार सरकार ने की है कि पटना में जगह जगह पर टेंट बनवाए हैं गरीबों के लिए, उसमें सारी सुख सुविधाएं हैं, तोशक है, कम्बल है और आपका तकिया वगैरह है, पानी की व्यवस्था है। तो जो व्यक्ति जिनके पास पैसे नहीं हैं और पटना में आते हैं तो वहाँ पर रह सकते हैं, कोई चार्जेज नहीं है। ये मेरी सरकार की बहुत अच्छी बात लगी। और मैं सोचता था कि गरीब जो होटल नहीं ले सकते, जिनके पास पैसे नहीं हैं, वो कहाँ रहे, तो सरकार गरीबों के बारे में सोच रही है और मेरे जैसे आदमी के बारे में, कि मेरे पास ATM नहीं था तो पैसे नहीं था, मैं कहाँ रहता, तो मेरे लिए काफ़ी अच्छी थी। मैं बहुत खुश हूँ सरकार के इस कदम से। तो रहने की व्यवस्था हो गई, तो इस तरह से मेरा मतलब
खट्टी यादें भी रहीं और इसके बाद हम वाराणसी की यात्रा करेंगे और पूरा एक्सप्लोर करेंगे। और इसके बाद पटना में मैं बैग खोया तो मेरा क्या रिएक्शन था वो मैंने वीडियो बनाया था उस समय का, मैं अभी आपको दिखाऊंगा ये वीडियो ख़त्म होने के बाद। और मैं अपने मित्र से मिला जिन्होंने मुझे मदद किया, और जो कोई मदद करता है ना ज़रूरत के समय, आप उसको रिपे नहीं कर सकते, चाहे जितना भी पैसा पे करो रिपे नहीं कर सकते। तो मैंने उनसे भी बात की, उनका व्यवसाय भी है, उनके व्यवसाय के बारे में भी बात की, वो चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। तो ये वीडियो आप देखिएगा, पूरा देखिएगा। यात्रा के दौरान कुछ अनचाही घटनाएं भी घट जाती हैं, कभी पर्स खो जाता है, कभी मोबाइल खो जाता है। और मथुरा यात्रा के दौरान मेरा मोबाइल खो गया था, नया मोबाइल ख़रीदना पड़ा है। और अब की बार कल ही मेरा पर्स खो गया और मेरा बैग फट गया था, नया बैग ख़रीदना था। आप देख रहे हैं ये बैग मैंने ख़रीदा था पिछले साल और ये फट गया है, 300 रुपये का ख़रीदा था और ये फट गया, पूरी तरह से फट गया है। तो हमने सोचा कि नया बैग ख़रीद लूँ, ये बिल्कुल यूज लायक नहीं है। तो इसी में से मेरा पर्स भी गिर गया और जिसमें पैसे तो ज़्यादा नहीं थे, तकरीबन 350-350 रुपये थे लगभग में। और उसमें मेरा आधार कार्ड था, पैन कार्ड था और मेरा डेबिट कार्ड था, सारा चला गया। और जब मैंने बैग ख़रीदा कल शाम में, तो ये वाला बैग आप देख रहे हैं मैंने ख़रीदा है, ट्रैवल के लिए अच्छा बैग है, मेरा स्लीपिंग बैग वगैरह सारा सामान इसमें आ जाए, बड़ा बैग हमें चाहिए। ये जो दुकान आप देख रहे हैं बैग का दुकान है, होलसेल दुकान है, और ये पटना जंक्शन के बगल में गोरिया टोली पड़ता है, वहीं पे पड़ता है। कल मैंने ख़रीदे थे लेकिन पैसे थे नहीं, क्योंकि ATM कार्ड मेरा चोरी हो गया, पर्स ही चोरी हो गया तो ATM कार्ड कहाँ से रहेगा। और इनके पास, दुकानदार के पास ना तो फ़ोनपे था ना नेट बैंकिंग था, पैसे मैं कैसे देता, लेकिन कोई ना कोई मदद ज़रूर करता है। अगर आप सच्चे पथ के राही हैं, अगर आप धर्म के मार्ग पर चलते हैं, अगर आप ईमानदार हैं, तो कोई ना कोई आपकी मदद ज़रूर करेगा। और मेरी भी किसी ने मदद की है, पूरा पैसा 1000 रुपया दिया, 300 रुपया अभी भी बच रहा है बैग, 700 रुपये का बैग है, 700 रुपये का बैग ख़रीदने के बाद भी 300 रुपया अभी भी मेरे पास बच रहा है आगे के खर्चा के लिए, क्योंकि मेरे पास 1 रुपया नहीं है दोस्तों। कल मैं वहाँ गया, मैंने भाई साहब से मिलने के लिए, तो मेरे पास 5 रुपये थे, किसी तरह निकाला, झारा झूरा तो 5 रुपये निकल गया। खैर ये तो जीवन में अप्स एंड डाउन चलते रहता है, और यात्रा के दौरान तो ये स्वाभाविक है, कुछ ना कुछ होता रहता है। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अपने मित्र के घर बेईमान टोला, और ये पटना रेलवे स्टेशन से तकरीबन 9 किलोमीटर दूर पड़ता है, खेमनी चौक का बाईपास है उससे करीब 2 किलोमीटर दूर पड़ता है। और यहाँ पर जलकुंभी की काफ़ी खेती होती है, मेरे साथ मेरे बगल में देख रहे हैं मेरे मित्र हैं, और 6 महीना पहले ही ये मुझसे मिले थे गया में विपश्यना साधना के दौरान। अगर हम मित्र न कहकर धर्म मित्र कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि जब किसी चीज़ का आधार धर्म हो जाता है ना, तो संबंध में प्रगाढ़ता आ जाती है। और मुझे जो सबसे अजीब चीज़ लगी कि यहाँ पर जो इनकी, इनके अंदर की जो सोच है पूरी तरह से डिफरेंट है आज की जो सोच है। इनका पूरा संयुक्त परिवार है यहाँ पटना में, और सारे भाई एक साथ रहते हैं, और सबकी एक सोच है, एक मत है, बड़े प्रेम से रहते हैं। और मतलब आपको कैसा लगता है, मतलब यहाँ मैं यहाँ आया हूँ और कुछ महीने पहले भी हमारी मित्रता हुई है, और आप कुछ अजीब नहीं लग रहा है? नहीं नहीं बहुत अच्छा लग रहा है, मिलकर आपसे बहुत खुशी हुई, उस वक्त भी मिलकर खुशी हुई थी, क्योंकि साधना में आप प्रखर रूप से प्रगाढ़ एक साथ में एक टिक में साधना करते हैं। तो क्या मतलब क्या लगा, क्योंकि हमें मतलब नॉर्मली हम जहाँ भी जाते हैं रिलेटिव वगैरह के घर या कोई मतलब दोस्त वगैरह के घर, तो मूल्यांकन करते हैं कि गरीब आदमी है, इसके कपड़े ठीक नहीं हैं, मतलब उस तरह से निगेटिव तौर पर लेते हैं। इसलिए मैंने किसी रिलेटिव के घर जाना ही छोड़ दिया मैंने अपने जीवन में, क्योंकि वो मतलब पैसे के आधार पर मूल्यांकन करते हैं, इसके पास पद नहीं है, प्रतिष्ठा नहीं है, इसके पास पैसे नहीं है, कोई नौकरी नहीं है, तो हमसे उस व्यक्ति को ज़्यादा तवज्जो देते हैं, भले वो नैतिक रूप से भ्रष्ट हो, आचरण उसका ठीक नहीं हो। खैर ये समाज का एक अंग बन चुका है कि यहाँ आचरण को महत्व न देकर के पैसों का महत्व ज़्यादा हो गया, आपको क्या लगता है? हमको बहुत ये अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि ऐसा पैसों को महत्व नहीं देना चाहिए, हम सभी इंसान हैं और इंसान के तरह देखना चाहिए, सभी में भाईचारा रखना चाहिए, और सभी के हृदय में एक परमात्मा बसते हैं, उसी परमात्मा को देखना चाहिए, संघ के शरण में चलना चाहिए, जिससे कि धर्म पथ पर चलते चलते आगे निर्वाण मुक्ति का मार्ग। बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्योंकि मेरा भी लक्ष्य वही है जो इनका लक्ष्य है,
अंतर सिर्फ यही कि गृहस्थ जीवन में हैं, इनके पत्नी हैं, बच्चे हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सन्यासी हैं, कोई अटैचमेंट नहीं है इनकी। और ठीक उसी तरह मेरा भी जीवन पूरी तरह से एक कमल के फूल की तरह है कि संसार में रहता हूँ लेकिन संसार के किसी भी राग द्वेष मोह अभिमान से बिल्कुल अपने आप को बचा के रखने का प्रयास करता हूँ, इसके बावजूद कि मैं एक प्रोफेशनल दुनिया में जी रहा हूँ, यूट्यूब की दुनिया में जी रहा हूँ। उसके बाद भी कुछ लोग आश्चर्य भी लगता है, परंतु यह सच है। तो खैर, मैं कभी भी संसार से मतलब जो एक आदर होता है सम्मान पाने का आकांक्षी नहीं हूँ, संसार मुझे क्या आदर देगा। खैर, हम इनका दुकान भी है, बिजनेस भी है, और बिजनेस भी अच्छे से चलाते हैं, बड़े आश्चर्य की बात है। हम चलेंगे इनके दुकान पे भी और बात करेंगे। चलिए दुकान पे चलते हैं आपके। दुनिया में ऐसा कहा जाता है कि बिजनेस या धंधा बेईमानी के बिना नहीं चलता, झूठ बोलना पड़ता है, चोरी करनी पड़ती है, परंतु दोस्तों बेईमानी के बिना भी धंधा चलता है। हमें अभी पटना आए हैं और हम मुन्ना जी के घर पर भी गए थे और दुकान पर अभी हैं, तो हम इनसे बात करेंगे कि कैसे ये धंधा करते हैं जिसमें पूरी तरह ईमानदारी रखते हैं। तो ये आपका धंधा जो है ये सुनारी का धंधा है, गहने का आप धंधा करते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि सुनार अपने बाप का भी नहीं होता है, ऐसी मान्यता है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं। तो आप कैसे करते हैं ये सब, इतना ईमानदारी कैसे अपने व्यवसाय में रख पाते हैं? मेरा मानना है कि व्यक्ति को ईमानदार जरूर होना चाहिए, क्योंकि ईमानदारी ही उसे धर्म के मार्ग पर ले चलती है। अपने धर्म के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने आप के प्रति ईमानदार होना चाहिए, अपने समाज के प्रति ईमानदार होना चाहिए, तभी जाके अपना भी कल्याण कर पाएंगे और अपने समाज का भी कल्याण कर पाएंगे, दूसरों का भी कल्याण कर पाएंगे।